लड़कियाँ लड़कों से कम थोड़ी ना है जो कुछ भी कर सके हैं लड़की लिए, और माँ बाप सपोर्ट दें तो क्या नहीं कर सके हैं। मारी छोरी किसी छोरे से कम है के? हरियाणा के गांव में ये कहावत यूं ही इतनी फेमस नहीं है, इस कहावत को यहाँ की बेटियाँ सच करके दिखाती रही हैं। ऐसी ही एक बेटी आपके सामने है जिस वक्त दिल्ली में सरकारी बस चला रही है। इस बेटी ने पहले साइकिल चलाई, फिर बाइक और स्कूटी चलाई, गांव के खेतों में ट्रैक्टर चलाया और अब देखिए हरियाणा रोडवेज की ट्रेनिंग लेकर दिल्ली की DTC में ड्राइवर के पद पर चयनित हो गई है, जिससे साबित होता है कि बेटी सिर्फ कंडक्टर ही नहीं बल्कि ड्राइविंग भी कर सकती है। चरखी दादरी के मिश्री गांव में किसान परिवार में पली बड़ी भारती कैसे बड़ी ड्राइवर, आइए उनसे ही पूछते हैं। इसलिए ड्राइविंग करती रही, पहले साइकिल सीखी, फिर बाइक सीखी, फिर ट्रैक्टर सीखा, खेतों में काम करते थे तब, और फिर रोडवेज की ट्रेनिंग ली थी मैंने। फिर मैंने फॉर्म अप्लाई किया DTC में, वहाँ सिलेक्शन हो गया, फिर वहाँ 2 महीने की ट्रेनिंग हुई मेरी नंदनगरी में, उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हो गई। बस कहते थे कि लड़की है क्या करेगी, बाइक सीख के गाड़ी सीख के, पर मैंने अपने पढ़ाई भी साथ साथ की, मैंने MA कर रखी है, BLEU कर रखी है, और उसके साथ साथ मैंने ड्राइविंग भी सीखी है। बस थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी वहाँ पे, पहले दिन जब ड्राइव पे गए थे जहाँ ड्यूटी थी, तब थोड़ी सी हिचक हुई थी कि इतना ट्रैफिक है कैसे चलेगी गाड़ी, पर अच्छा रहा मेरा फर्स्ट दिन। मेरी सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी को सपोर्ट था, मेरे और मेरी बहनों का और मेरे भाई का। हाँ, मैं चाहती हूँ कि जो उनका मन करता है, जो उनकी रुचि है जिस चीज में, वो अपना काम करे। बेटी भारती अपने घर में 5 बहनों में सबसे छोटी है। उसकी इस उपलब्धि पर जितना गर्व परिवार वालों को है, उतना ही गांव के लोगों को भी है, क्योंकि भारती ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। भारती को बचपन से ही ड्राइविंग पसंद रही है और बाइक से लेकर बस तक चलाने का काम किया है। उनके परिवार का मानना है कि बेटियों को भी बेटों की तरह सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो जो चाहे हासिल कर सके। लड़कियां लड़कों से कम थोड़ी ना है जो कुछ भी कर सके हैं लड़की भी, और माँ बाप सपोर्ट दें तो क्या नहीं कर सके हैं। साथ करी है, ट्रेनिंग भी साथ ले ही है, और फिर इसने फॉर्म भी अप्लाई करके ना इसने ज्वाइनिंग भी ले ली है इसमें ड्राइविंग में, तो इसने अपना काम शुरू कर लिया। कोई बात को नहीं, आजकल लड़कियां सब काम कर रहे हैं। हमारी लड़की ने, हमारी बहन ने बहुत ही बढ़िया मुकाम हासिल किया है, और हम ये भी कहना चाहेंगे इसकी तरह पूरे गांव समाज के जो इसकी सोच है कि भाई लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती, अभी लड़कियां घर में ही बंद के रहे या चूल्हा चौका ही करें, तो वो गलत है। जैसे हम अपनी बहन को सपोर्ट कर रहे हैं, शुरू से बाईसाइकिल भी सिखाई है, तो खेत में हमारे ट्रैक्टर भी चाचा के पास में, तो भाई उससे भाई थोड़ा बहुत ड्राइविंग भी सीखी है, और भी काम किया, खेत में भी सारा काम किया है, खेत में वही लावणी का, खेती बाड़ी का होता है, सो और भी बहुत काम होता है, सारा ही काम किया है। और रही इसकी बात, घर पे भी दुख परेशानी बहुत आती हैं, और कुछ ज़्यादा ही आते हैं इनके, जिसका हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ ज़्यादा ही हुई है, ठीक है, और उन सबको छोड़ के पीछे इतना बढ़िया मुकाम हासिल किया। मिश्री गाँव की बेटी ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिससे और बेटियों को भी प्रेरणा मिलेगी। उनका परिवार भी कहते नहीं थक रहा है कि ये बेटी नहीं हमारा बेटा है। गांव के लोगों के मुताबिक भारती ने जो किया है वो सभी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा है। बहुत बहुत बढ़िया काम करया है, और लड़की ने बहुत नाम रोशन कर दिया है, बहुत बढ़िया काम करया है। टीवी पढ़ के अपने गांव को रोशन नाम करें, बहुत बढ़िया लड़का निशा, लड़का ही लड़की, लड़की बल्कि बहुत बढ़िया है। लड़की अपने काम कर सके हैं, घर को भी कर सके हैं, और अपनी नौकरी जो अपने किम कर सके, कुछ भी कर सके हैं। एक लिया नहीं अभी, क्योंकि आपने खेती बाड़ी में चूल्हा चाकी में लागी रहनी। हमारे गांव की जो बिटिया है भारती, उसने एक बहुत ही अच्छा, एक शानदार परफॉर्मेंस करके और महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। मैं बिटिया है भारती, इसके पूरे परिवार को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि एक बिटिया को एक अच्छा मार्गदर्शन किया, और अच्छी उनकी जो भी पढ़ाई थी उसमें भी उसका सहयोग किया, और उन्होंने एक अच्छा काम किया। और विशेषकर क्या है कि आज हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से भी एक ऐसी मुहिम चलाई गई है कि लड़कियां हैं वो लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं है, एजुकेशन के मामले भी, खेल में के मामले में भी, आज चारों तरफ लड़कियां हैं वो लड़कों से कुछ न कुछ आगे बढ़कर कर रही है। भारत की बेटियों ने विश्व में अपना परचम लहराया है, चाहे वो कुश्ती खिलाड़ी गीता बबीता की बात हो, चाहे अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की बात हो, बेटियां लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, जो बहुत ही गर्व की बात है। चरखी दादरी से नरेंद्र कुमार, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।